हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे अडक्टर केनाल के नेक्स्ट वीडियो पे। और ये है हमारा थर्ड वीडियो ऑफ अडक्टर केनाल। इसमें हम बनाएंगे आपको अडक्टर केनाल के कंटेंट्स का डायग्राम, कि इसके कंटेंट को डायग्रामेटिकली कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, अडक्टर केनाल का हमारे टोटल तीन वीडियो बने। तीन वीडियो कौन से? दिस इज़ फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको एक तो हमने बोला था ना कि टोटल तीन डायग्राम बनेंगे। एक डायग्राम ये हो गया, सेकेंड डायग्राम ये हो गया एंड थर्ड डायग्राम अभी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके अलावा देखिए, अडक्टर कैनाल्स के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ कराया था और उसके बाद इसका अडक्टर कैनाल का थियोरेटिकल पोर्शन बताया था, जिसमें हमने पाँच पाँच पॉइंट के अंदर पूरा का पूरा अडक्टर कैनाल का थ्योरी वाला पोर्शन कम्प्लीट किया था। सेकेंड वीडियो में हमने आपको ये वाला डायग्राम बनाया था और थर्ड वीडियो में बनाएंगे कंटेंट का डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनके कंटेंट के डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे समझते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। दिमाग में क्या रखना है बस, कि अडक्टर कैनाल मीडियल साइड ऑफ थाई प्रेजेंट होती है। तो देखिए, सारा का सारा देखते हैं अब इसका कंटेंट। तो देखिए, मैं एक डॉटेड यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगा, उस बॉक्स के अंदर सारा का सारा कंटेंट ड्रॉ करूँगा। ओके, तो इस बॉक्स के अंदर हम सारे कंटेंट ड्रॉ करेंगे। कंटेंट क्या होगा? फीमोरल वाला सारा माल, फीमोरल वाला सारा आइटम। फीमोरल वाला कौन सा? फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड फीमोरल नर्व की ब्रांचेज। तो सबसे पहले हम आर्टरी ही ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज फीमोरल आर्टरी। ओके, तो ये हुई हमारी फीमोरल आर्टरी। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे फीमोरल वेन। तो दिस इज फीमोरल वेन। तो ये हो गई हमारी फीमोरल वेन। देखिए, मैंने इनको एकदम सीधा क्यों नहीं ड्रॉ किया, उल्टा सुलटा क्यों ड्रॉ किया है? देखिए, इसकी एक मतलब इसमें एक पोजीशन होती है। मतलब क्या कि स्टार्टिंग में फीमोरल कैनाल में तो सॉरी फीमोरल ट्रायंगल में तो क्या होता है, सबसे लेटरली होगी नर्व, फिर होगी आर्टरी सॉरी और फिर होगी वेन। ओके, तो सबसे लेटरली क्या होगी? नर्व, देन आर्टरी और देन वेन। ये पोजीशन कहाँ पे है? ये पोजीशन है हमारे फीमोरल ट्रायंगल के अंदर। ओके, फीमोरल ट्रायंगल में नर्व सबसे लेटरल होती है, उसके बाद बीच में होती है हमारी आर्टरी और सबसे मीडियल साइड होती है वेन। बट जो पोपलिटल फोसा होता है, हमने बताया था ना यहाँ पे कि इसी के बाद फीमोरल वाले सारे सामान कहाँ जाएंगे? पोपलिटियल में। तो देखिए, पोपलिटियल में आने के बाद उनकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। मतलब क्या कि नर्व मोस्ट लेटरल नहीं होती और बीच में आर्टरी नहीं होती और लेट मिडिल साइड वेन नहीं होती। मतलब इनकी पोजीशन, इनका कुछ ऐसे रोटेशन हो जाता है। तो देखिए, इनका कैसे रोटेशन होता है, इस रोटेशन को हम पढ़ेंगे आगे पोपलिटल फोसा के अंदर। क्यों? क्योंकि पोपलिटल फोसा में ही ये रोटेशन होता है। अगर यहाँ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे अभी आप। ओके, तो पोपलिटल फोसा में बताएंगे कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स, फीमोरल वाली तीनों चीज़ें, नर्व, आर्टरी, वेन, इनका कैसे घूमना होता है। ओके, तो ये हो गई। देखिए, ऐसे ही ड्रॉ करनी है जैसे हमने ड्रॉ की है। उसके बाद आर्टरी हो गई, नर्व हो गई सॉरी वेन हो गई, आर्टरी हो गई। अब क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे? दिस इज नर्व्स। तो हमने ये नर्व ड्रॉ कर दी। देखिए, मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये वाली नर्व है इनके आगे है, आर्टरी के भी आगे है और वेन के भी आगे है। ओके, इसलिए मैंने ये वाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये है हमारी सैफनस नर्व, दिस इज द ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व। ये फीमोरल नर्व की ब्रांच है डिसेंडिंग जेनिकुलर, जो दो ब्रांच देती है, आर्टिकुलर ब्रांच और एक देती है आर्टिकुलर और एक देती है सैफनस ब्रांच, और ये दो नर्व इस साइड है। ओके, तो देखिए, हमने सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब आते हैं सेकेंड राउंड पे, जो है इसकी नेमिंग। देखिए, ये है लेटरल साइड, ये है मीडियल साइड। अब हमने फिर बोला मीडियल साइड, देखिए हमने थाई की नर्व को तीन बताया था। थाई में टोटल तीन नर्व होती है। तीन कौन सी? एक होती है फीमोरल नर्व,
ओके, एक होती है हमारी ऑब्टुरेटर नर्व। ओके, और एक होती है हमारी शियाटिक नर्व। ओके, तो फिमोरल नर्व हो गई, ऑब्टुरेटर नर्व हो गई, और एक होती है हमारी शियाटिक नर्व। ओके, मतलब क्या, इन तीनों ने पूरी थाई को कवर कर लिया। मतलब ये तीन नर्व होती है जो कि पूरी थाई को सप्लाई करती है। फिमोरल नर्व करेगी थाई के एंटीरियर साइड को, थाई की एंटीरियर साइड जो भी सामान होगा, जो भी मसल्स होगी, उनको सप्लाई करती है फीमोरल नर्व। देखिए, ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, कहाँ पे, आल नर्व ऑफ लोअर लिम्ब। हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट है आल नर्व ऑफ लोअर लिम्ब, वहाँ पे हमने हमने आपको बताया था। ऑब्टुरेटर नर्व क्या होती है, दिस इज द मीडियल कंपार्टमेंट की नर्व। मतलब क्या है कि जो थाई का मीडियल कंपार्टमेंट होता है, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, दिस इज द अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो मीडियल कंपार्टमेंट बोल दीजिए या अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, उसकी नर्व होती है या उन सारे मसल्स को सप्लाई करती है ऑब्टुरेटर नर्व। और शियाटिक नर्व कहाँ सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है हमारी बैक ऑफ थाई को। ओके, तो इन तीनों, एंटीरियर ऑफ थाई, मीडियल ऑफ थाई और बैक ऑफ थाई, इससे पूरी की पूरी थाई कवर हो जाती है। ओके, और देखिए ये मीडियल साइड है बेसिकली, तो ये दोनों नर्व ब्रांचेज है ऑब्टुरेटर नर्व की। और आपको पता होगा कि ऑब्टुरेटर नर्व, हमारी सेपरेट वीडियो है ऑब्टुरेटर नर्व पे, तो ऑब्टुरेटर नर्व की दो, मतलब ऑब्टुरेटर नर्व खुद दो डिवीजन देती हैं, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। तो दिस इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व और दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये है हमारी फीमोरल वेन, तो दिस इज वेन एंड दिस इज आर्टरी। कौन सी, दीज आर फीमोरल। ओके, उसके बाद ये है हमारी सैफनस नर्व। सैफनस नर्व, और ये किसकी ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व। हमारा फीमोरल नर्व का भी सेपरेट वीडियो है, कहाँ मिलेगा, आल नर्व ऑफ लोअर लिम में, सेपरेट प्लेलिस्ट है। और देखिए जो ये वाली आर्टरी है, दिस इज द डिसेंडिंग जेनिक्यूलर आर्टरी, दिस इज डिसेंडिंग जेनिक्यूलर आर्टरी। ओके, और देखिए ये डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी आपको दिख रहा होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। दो पार्ट कौन से हैं, एक होगी, एक तो होता है इसका ये वाला पार्ट, दो ब्रांच देती है, मतलब इसे बोलते हैं दिस इज द सैफनस ब्रांच। सैफनस ब्रांच क्यों बोला, क्योंकि सैफनस नर्व के पैरेलल चल रही है। और दिस इज क्यूटेनियस, आपको पता होगा सैफनस नर्व, दिस इज द क्यूटेनियस। देखिए सैफनस सब कुछ होती है, सैफनस आपको नर्व भी मिलेगी, सैफनस आपको आर्टरी भी मिलेगी, और सैफनस आपको वेन भी मिलेगी। ओके, तो सैफनस आर्टरी हमने यहाँ पढ़ ली, सैफनस नर्व यहाँ पढ़ ली, और सैफनस वेन कहाँ पढ़ते हैं, ग्रेट सैफनस वेन, स्मॉल सैफनस वेन, तो तीनों होती है सैफनस। तो दिस इज सैफनस ब्रांच। ओके, और ये क्या है, दिस इज आर्टिकुलर ब्रांच। आर्टिकुलर ब्रांच मतलब कहाँ जाएगी, नी जॉइंट को, नी को ही तो जाएगी, थाई के जस्ट नीचे क्या होता है, नी जॉइंट, आर्टिकुलर ब्रांच। अब नी जॉइंट को जाएगी तो आपके दिमाग में कुछ तूफानी आइडिया आ रहे हैं, तो सोच लीजिए कैसे, नी जॉइंट के पास जा रही है, मतलब क्या होता है नी जॉइंट में, जेनिकुलर अनास्मोसिस। जेनिकुलर अनास्मोसिस मतलब जहाँ भी आपको जेनिकुलर वर्ल्ड मिले, दिमाग में कहीं इधर उधर मत घुमाना, दिमाग को कहीं मत घुमाना, सीधा फिक्स करना नी जॉइंट के लिए, क्योंकि जेनिकुलर दिस इज द स्पेसिफिक फॉर नी जॉइंट। तो देखिए ये दोनों की दोनों, सैफनस ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी और आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, ये बनाती है हमारा आर्टीरियल अनास्मोसिस अराउंड नी जॉइंट। ओके, और देखिए इसके लिए हमारा इसका सेपरेट वीडियो है आर्टिकुलर अनास्मोसिस अराउंड नी जॉइंट का, आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो देखिए उस जो अनास्मोसिस होता है उसमें सैफनस ब्रांच किसके साथ अनास्मोसिस होती है, ये अनास्मोसिस
सेफनेस ब्रांच ये अनास्मोसिस होती है मीडियल इन्फीरियर जेनिक्यूलर आर्टरी। और मीडियल इन्फीरियर जेनिक्यूलर आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ पोपलिटियल आर्टरी। और आर्टिकुलर ब्रांच ये किसके साथ अनास्मोसिस होती है, ये अनास्मोसिस होती है मीडियल सुपीरियर जेनिक्यूलर आर्टरी। अब देखिए अभी आपको एक खतरनाक वाला तूफानी बताते हैं, थोड़ा मजा जाएगा आपको। मीडियल सुपीरियर जेनिक्यूलर आर्टरी, ये भी ब्रांच किसकी है, ये भी ब्रांच है पोपलिटियल की। अब देखिए हम यहाँ पे मीडियल क्यों बोल रहे हैं, अडक्टर कैनाल के कारण, क्यों, क्योंकि अडक्टर कैनाल मीडियल साइड होती है, ओके। और देखिए बेसिकली ये डायग्राम में जा भी कहाँ रही है, मीडियल साइड ही जा रही है, ओके। तो ये भी मीडियल है, ये भी मीडियल है, ओके। और दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं जेनिकुलर अनास्मोसिस अराउंड नी जॉइंट में, ओके। और ये ब्रांच किसकी है, पोपलिटियल आर्टरी की। पोपलिटियल आर्टरी की टोटल 5 ब्रांच होती है ना, सुपीरियर इन्फीरियर लेटरल मीडियल और एक होती है मिडिल जेनिकुलर। पोपलिटियल आर्टरी, तो ये सारी की सारी ब्रांचेज हैं, नीचे वाली दोनों, ये वाली और ये वाली, बोथ आर द ब्रांचेज ऑफ पोपलिटियल आर्टरी, ओके। और देखिए एक नर्व यहाँ पे ये वाली रह गई, इस नर्व का नाम है, दिस इज द नर्व टू, ये पड़ी हुई है आपको, नर्व टू वास्टस मीडियलिस, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ VM, VM मतलब वास्टस मीडियलिस। देखिए हमने यहाँ ड्रॉ किया था नर्व टू वास्टस मीडियलिस, तो ये वाली वही है। सेफनेस भी हमने यहाँ बताई थी, दिस इज सेफनेस नर्व, ओके। एंटीरियर डिवीजन हमने यहाँ बताया था आपको, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व। उसके बाद मीडियल क्यूटेनस समझ में आएगी, या सेफनेस नर्व यहाँ है, सही, ओके। तो देखिए ये चार्ट है हमारा पूरा का पूरा, किसका, ये चार्ट है अडक्टर कैनाल का, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द अडक्टर कैनाल्स कंटेंट। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ आपकी जो भी राय है, आपने इस वीडियो के बारे में क्या सोचा, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अगर पॉजिटिव मिले आपकी तरफ से, तो हम ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो आगे भी आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।